केंद्र में राहुल गांधी और मोदी जी की आजकल रस्साकसी चल रही है। हमारे साथ यूपी के सहकारिता मंत्री हैं मुकुट बिहारी जी। मुकुट बिहारी जी, राहुल गांधी आजकल कह रहे हैं कि वो किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, मोदी जी को बराबर टारगेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देश की जनता बहुत ही जागरूक और बहुत संवेदनशील है। जब कभी निर्णय दिया है, बहुत सोच समझ के निर्णय दिया है, और देश की जनता जानती है, 5 साल में ही देख लिया है कौन किसानों के लिए जूझ रहा है, कौन देश के लिए जूझ रहा है, कौन चाहता है कि किसान के चेहरे पर, गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए, उसका कृत्य देख लिया। उन्होंने तो कभी कुछ करके दिखाया नहीं, उनके पूर्वजों ने जो किया है उसमें चेहरे पर मुस्कान लाने का काम नहीं किया है। चेहरे पर मुस्कान 5 साल 4.5 साल में जो मोदी जी ने करके दिखा दिया, इसको देश की जनता जानती है और उसका परिणाम बिल्कुल सामने आएगा। राहुल गांधी तो ऐलानियां कह रहे हैं कि न सोने देंगे, न सोए हैं न सोने देंगे। मोदी जी ने पहले कहा था न खाएंगे न खाने देंगे, तो अब न सोएंगे न सोने देंगे कहा है। न सोए, हम तो अहर्निश जागने वाले, हमारे मोदी और योगी दोनों अहर्निश जाग कर केवल जनता के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, इसके लिए सोचना और करना, यही कर रहे हैं। कर्जा माफी को लेकर राहुल गांधी बार बार घेर रहे हैं, 3 राज्यों में भी आपको करारी हार भी मिली है, तो आपको लगता है कि कर्जा माफी केंद्र में वो दबाव बना रहे हैं बराबर? उनका कहना है कि जीएसटी पे हमने दबाव बनाया, तब मोदी जी ने अभी जो हाल में जो बदलाव हुए हैं, तो लगता है आपको कि कर्जा माफी में भी कहीं ना कहीं दबाव में आएगी सरकार? जी नहीं, सरकार अपने आप उसका जो कार्य है, जो निर्धारित किया है, उसके हिसाब से करेगी। तीनों प्रदेशों में जो हार की बात करते हैं, उसका भी फिर से मूल्यांकन करना पड़ेगा। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में उनसे ज्यादा हमको वोट मिला है, राजस्थान में जो आप लोग कल्पना कर रहे थे, लोगों ने कल्पना किया था, उससे कहीं अधिक हमको वोट मिला है। छत्तीसगढ़ में हमारी जरूर हार है, और वो हार है धान की कीमत की बड़ी घोषणा के कारण। हम मानते हैं कि किसानों को इस प्रकार का लोभ देकर को किया जाता है, लेकिन हम हमेशा किसान हितैषी हैं, जिस प्रकार से किसान का भला होगा उसका हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, नोटा एक बड़ा कारण रहा है, आपको लगता है कहीं भय लग रहा है बीजेपी को नोटा से? अब निश्चित रूप से नोटा बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं। और नोटा माने हमारा असंतुष्ट कार्यकर्ता या असंतुष्ट वोटर,